हेलो सूर्या टूरिज्म टिप्स फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें। आज बात करेंगे मलेशिया के बारे में कि मलेशिया ने एक जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को बहुत ही जो है अच्छी गुड न्यूज़ दी है। वो गुड न्यूज़ क्या है, कैसे उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और क्या पहले से जाना आसान रहेगा, इन सब के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो आप अपना कीमती टाइम सूर्य टूरिज्म टिप्स फैमिली को दे रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकें। साथ ही साथ साथियों जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब बात करते हैं कि मलेशिया ने ऐसी क्या गुड न्यूज़ दे दी है। देखिए साथियों, मलेशिया ने जो है कल ही अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर एंड चाइना के पासपोर्ट जो होल्डर हैं वो मलेशिया में अभी जो है वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। मतलब अब अगर आप मलेशिया ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके जो वीज़ा फीस है, टूरिस्ट वीज़ा फीस है, वो किसी प्रकार की नहीं लगेगी। मीन्स वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। ये एंट्री कब से चालू रहेगी? ये एंट्री चालू रहेगी 1 दिसंबर से लेके ये 2024 नवंबर तक। इन्होंने जो है 1 साल लगभग के लिए जो है इन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले जो है आप 15 दिन ही मलेशिया में स्टे कर सकते थे ई वीज़ा के ऊपर, अभी जो है आपको 30 डेज मतलब 30 दिन की जो है एंट्री आपको मलेशिया के अंदर मिलेगी। ये सारे एयरपोर्ट पे, लैंड बॉर्डर पे, जितने भी बॉर्डर पे हैं सब पे आपको ये एंट्री मिलेगी। मींस अभी अगर अपन लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर मलेशिया जाना चाहते हैं तो हमें मलेशिया के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी क्या अगर वो डिपोर्ट वाला सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में मैं बता दूँ तो कल जब है मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगा और टूरिज़्म ज़्यादा आएगा। क्योंकि दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, वो है चाइना और इंडिया, दोनों के लिए इन्होंने जो है वीज़ा फ्री कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि भाई वीज़ा तो फ्री कर दिया है तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं सेम थाईलैंड की तरह वही आपकी राउंड ट्रिप टिकट, होटल बुकिंग और शो मनी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए तो ही आपको एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ्री कर दिया है तो वो सबको एंट्री देने वाले हैं। जैसे थाईलैंड से भी लोग अभी डिपोर्ट होते हैं, थाईलैंड का भी वीज़ा इंडियन पासपोर्ट होल्डर को है लेकिन फिर भी वहाँ से बंदे जो है डिपोर्ट होते हैं। सेम वही चीज़ें अभी मलेशिया में होने वाली हैं क्योंकि अब हर कोई एजेंट जो है यहाँ पे बंदे भेजने वाला है, दबा के बंदे भेजने वाला है, तो बंदे डिपोर्ट भी होने वाले हैं। तो अब डिपोर्ट का क्या सोल्यूशन है? अगर आप वीज़ा फीस, ये आपके मोटा मोटी अगर बात करूँ, नॉर्मली जो है चार्ज हो रहा था 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज हो रहा था मलेशिया वीज़ा के, वो पैसे आपके बच चुके हैं, वो आपके नहीं लगने वाले हैं। लेकिन आपको काउंटर सेटिंग जिसको बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली मैं नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं बोलूँगा, वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट बात करूँ कि मलेशिया ने 1 दिसंबर 2023 से लेके नवंबर 2024 तक जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा फ्री कर दिया है। बहुत सारे लोग कभी भी कन्फ्यूज़ रहेंगे कि यार वीज़ा फ्री कर दिया है तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपको वही चाहिए होंगे, आपकी राउंड ट्रिप टिकट जो है कन्फर्म होनी चाहिए, आपका होटल बुकिंग जो है होना चाहिए, प्लस आपके पास शो मनी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आप मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिए जाओगे या इंडिया से कहीं आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो ये मिल गया है कि पहले मान लो किसी को डर लगता था कि यार मैं अगर मलेशिया डायरेक्ट जाऊंगा, अगर मेरे को डिपोर्ट कर दिया तो मैं थाईलैंड के रास्ते जाता हूं, तो थाईलैंड के रास्ते से अभी क्या हो जाएगा कि आपको जो है इलीगल एंट्री करनी पड़ती थी मलेशिया के अंदर, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। रिवर वगैरह क्रॉस करके या इलीगल तरीके से जो आप एंट्री करते थे वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको थाईलैंड का वीज़ा फ्री हो गया है, मलेशिया का वीज़ा भी फ्री हो गया है, तो आप इन दोनों कंट्री के साथ जो है ट्रेवल करते हुए आराम से जो है आप मलेशिया में पहुँच सकते हैं। आगे जो भी आप डेस्टिनेशन अपनी चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन
डेफिनेटली जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वास्तव में ये एक काबिले तारीफ काम कर रही है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर आपको मलेशिया से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए, हेल्प का मीन्स पैसे का काम, पैसे से होगा हेल्प का मतलब फ्री वाला हेल्प नहीं है। दूसरा, आपको किसी भी ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे आपके राउंड ट्रिप टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, या फिर आपको कितनी सो मनी लेके जानी है, कैसे आप एयरपोर्ट क्लियर कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो की स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है। तो आप जो है अच्छे से मेरे से डिटेल ले सकते हैं, बस एक मिनिमम चार्ज है आपको पे करना है। मैं तो ये कहूँगा आप अपने लाखों हज़ारों रुपये अगर बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट पे करके जो है आप अपना इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के जुड़े रहने के लिए साथियों, आप सूर्या टूरिज्म टिप्स का चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।